हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग कुछ फ़ोनों के बारे में, जो कि एंड्रॉयड 7.0 और 7.1 के जो फ़ोन होते हैं उनके FRP कैसे रिमूव किया जाता है। इस सेट में आप देख सकते हैं ये ON8 है सैमसंग का और इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो मैं इसे कैसे रिमूव करूँगा, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। आप इस प्रोसेस से ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन, जैसे सैमसंग J7 हो गया या J7 प्राइम हो गए या ON8 हो गया, J7 नेक्स्ट हो गया, तो इन मॉडल में आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आप इसे कर सकते हो, जैसे इसमें आपको टैप करना है, कई बार इसको आप जो होम थिएटर से कई बार टैप करो तो ये आपका टॉक बैक मोड में चला जाता है। उसके आपको ये पे उल्टा एल बनाना होता है, जिसके बाद ये सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जिस पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना होता है। तो सेटिंग पर आप ऐसे एल बनाओगे, सेटिंग पर क्लिक करोगे, आपको दो तीन बार क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए जैसे ये आएगा, उसके बाद ये सेटिंग हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं, जो बीच के होम की उसे भी कई बार दबाना होता है, इसे डिसेबल हो जाएगा टॉक बैक। और उसके हेल्प एंड फीडबैक में जाना है, और जो पहला ऑप्शन होगा कैट स्टार्ट का, उस पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब का, तो इसमें एक वॉच बनी है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका ये ब्राउज़र खोल जाएगा। ब्राउज़र में बुक मार्क में जाना है, वहाँ पर आपको हिस्ट्री में जाना है और डाउनलोड हिस्ट्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आप माई फाइल पर जाओगे, मैंने SD कार्ड पहले ही इसमें सॉफ्टवेयर रखा है अपने FRP नाम से, सैमसंग की जो 7 नेक्स्ट में यूज़ किया था। ये आपके दो सॉफ्टवेयर हैं, तो पहले आपको ये Apex लॉन्चर को इंस्टॉल करना होता है, इसको ओके करेंगे और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। Apex लॉन्चर का फ़ायदा ये है कि इंस्टॉल होने के बाद सीधा ये आपके होम मेन्यू पे खुल जाता है। जैसे मैंने ओपन किया, ये देखिए आपका बिल्कुल से होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके आपको कुछ नहीं करना है फ़ोन में, जैसे कि अब इंस्टॉल हो चुका है सॉफ्टवेयर तो आपको बैक करना है। यहाँ पे आप यहाँ से मेन्यू खोल के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको सीधा वहाँ से नीचे साइड में आप जाओगे तो आपको ये क्लाउड एंड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। हाँ, अकाउंट, यहाँ पे कोई अकाउंट ऐड नहीं है देखिए इसमें। और उसके आपको जाना कहाँ पे है, ये लॉक एंड सिक्योरिटी में जाना है। यहाँ पे नीचे डिवाइस, ये अदर सिक्योरिटी सेटिंग आएगा, इसमें डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, इस पर आपको इसे ऑफ करना होगा। फाइंड माई डिवाइस को डीएक्टिवेट किया। इसके बाद आपको ऐप में जाना होगा, जहाँ पर इंस्टॉल ऐप करते हैं वहाँ पर आपको जाना होगा यहाँ पर। और यहाँ से आप जैसे कि आपके जो गूगल के सॉफ्टवेयर है, गूगल प्ले सर्विस है, उसे डिसेबल करना होगा। यहाँ देखिए इसे हम यहाँ डिसेबल करने जा रहे हैं, ये है गूगल प्ले सर्विस, इसे हम इसे डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद एक और होता है सिस्टम ऐप होता है, जिसको यहाँ से साइड से कॉर्नर से क्लिक करके सिस्टम ऐप जो हमारा शो करेगा उससे हम उसको वहाँ से शो करेंगे। इस 3 डॉट जो ऊपर आपको दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना होगा, तो उसके बाद वहाँ पर आएगा यहाँ से, और यहाँ से आप शो सिस्टम ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गूगल अकाउंट मैनेजर जो होता है आपका, उसको डिसेबल करना होता है। यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे हम। इसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है और सीधा फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर जो जब जाओगे तो वहाँ पे आपको जो मैंने वो दो फाइलें थी, इसमें ये फाइल है टेक्नो केयर की, आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। वही प्रोसेस सेम रहेगा इंस्टॉल करने का तरीका, क्लिक करें, ओके करें और इसको इंस्टॉल कर दें। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली बैक टू सेटिंग में वापस जाना है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लेता है पहली बार हमने, ये अब डन हो गया। अब इसको मैं बैक करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाऊँगा, वहाँ पर जो अभी मैंने आपको अकाउंट दिखाया था क्लाउड एंड अकाउंट में, यहाँ पे अकाउंट में आकर को यहाँ पे अपने गूगल आईडी ऐड करनी है। आप खुद भी गूगल आईडी ऐड कर सकते हो, बस आप गूगल आईडी को यहाँ पे ऐड करना होगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा, जस्ट ए सेकंड वेट। यहाँ आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होना ज़रूरी है। स्टार्ट मेन्यू में जब वाईफाई से कनेक्ट कर लिया, आपके इस फ़ोन में सिम होना ज़रूरी है। यहाँ मैं अपनी आईडी डालता हूँ। दोस्तों, ये मेरी मेल आईडी है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। या किसी भी प्रॉब्लम होता है मुझे आप मेल करो, या मैं पासवर्ड डालूँगा। मैं पासवर्ड डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। आप देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चलेगी, चेक इन्फो आएगा और उसके बाद एक एरर आएगा। बस आप कुछ नहीं करना, आपको जो वापस ऐप में जाना है और जो आपने ऐप डिसेबल किया था उन्हें फिर से रीएनेबल करना है। यहाँ डिसेबल है अपनी गूगल प्ले सर्विस, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। जैसे इसे इनेबल करूँगा उसके बाद मुझे फ़ोन को रिबूट करना होगा एक बार। ये देखिए मैं फ़ोन को रिबूट करता हूँ यहाँ से,
पता नहीं यार, चेक करो मेरी आईडी यहाँ पे आ चुका है कि नहीं आया। ओह सॉरी, मैंने फाइंड डिवाइस को यहाँ पे ऑन कर, यहाँ आपको भी यहाँ पे फाइंड कर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन जगह फाइंड डिवाइस को भी ऑन करना होता है। इसे एक्टिवेट कर देंगे हम, ये तो उसके यहाँ से रिबूट कर देंगे। रिबूट करने के बाद जैसे कि यहाँ से मैं रिबूट हो रहा है एक्सी ऑन एट पे, थोड़ा सा टाइम लेता है ये आपका। मैं यहाँ से बहुत जल्दी थोड़ा सा जल्दी करता हूँ। जैसा देख सकते हैं मेरा ये फ़ोन स्टार्ट होने लगा है, एंड्रॉइड इज स्टार्टिंग लिखा गया। स्टार्ट में क्लिक करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट पे करूँगा, यहाँ पे एग्री करूँगा, नेक्स्ट, यहाँ पे चेकिंग नेटवर्क करेगा, इसको होने देते हम। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अकाउंट ऐड हो चुका है और बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, मिनिमम 3 से 4 मिनट लग जाता है। तो आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करोगे और उसके ओके, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा जस्ट ए सेकंड के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंफर्म हो गया है, इसका डेट टाइम पूछता है, मैं नेक्स्ट करूँगा इसको, नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा, इन प्रोग्रेस आएगा, ये आपका यहाँ पे स्किप ऑप्शन आएगा, स्किप, यहाँ फिनिश। जैसे मैं फिनिश करूँगा मेरा यहाँ फ़ोन आप देख सकते हैं चालू हो गया है। पर आप चीज़ गौर करोगे आपको वहाँ पर ऊपर साइड में ब्लिंक का चुनते दिखेगा आपको, यहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है। ये कोई नॉर्मल मतलब ये तरह से छोड़ कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फॉर्मेट माना पड़ेगा, सेटिंग में जाके आप इसे फॉर्मेट कर दो एक बार, जिससे आपकी जो अपनी आईडी डाली वो भी रिस्टार्ट हो जाएगी और आपका फ़ोन कुछ सही हो जाएगा। तो दूसरा मैं फॉर्मेट करूँगा इसको, मगर फॉर्मेट करने के लिए मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और मैं इसे फॉर्मेट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं इसको जब 100% चार्ज कर लूँगा या बैटरी फुल चार्ज कर लूँगा तब इसे फॉर्मेट करूँगा। यहाँ पर आपको फॉर्मेट करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है और मैं आपसे कहूँगा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इसी तरह से आप मेरा सपोर्ट करते रहें। आने वाले वीडियो में को और नए नए वीडियो ला के देता रहूँगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट ज़रूर करें आप। थैंक यू दोस्तों।